दोस्तों नमस्कार। इस समय पंजाब से बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब में बसों का किराया जबरदस्त बढ़ा दिया गया है। इसके पहले पेट्रोल और डीजल में भी किराया बढ़ाया गया था और ये सब बिल्कुल गोवा की तर्ज पे आप पार्टी कर रही है। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से ऑर्डर कर रहे हैं मान को चुनावी खर्च के लिए, जैसे गोवा में दिल्ली सरकार ने किया था, करीब 100 करोड़ से ऊपर की रिश्वत ली और गोवा के चुनाव खर्च, ऐसे हरियाणा में चुनाव खर्च करने के खर्चे निकाले जा रहे हैं और जनता को इसकी मार झेलनी पड़ रही है। जनता की जेब से पैसा निकाला जा रहा है, जनता की जेब पे डाका पड़ रहा है। हरसिमरत कौर बादल ने भी ये कहा है कि जनता के चुनावी खर्चे के लिए ये सिर बढ़ा रहे हैं और यही नहीं, लगभग आपको बतला रहे हैं 150 करोड़ से ऊपर इसमें इनको फायदा होगा। फिजूल खर्चे नहीं रोक रहे, इतना ज़्यादा फिजूल खर्चा हो रहा है पंजाब सरकार पे। आप पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में सरसब्ज करने के लिए अब केजरीवाल ने जिम्मेदारी दे दी है। इसी शर्त में उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, साफ कह दिया था कि थोड़े दिन ले लो फिर राघव चड्ढा को कर देना, चूँकि राघव चड्ढा जो है वो शीश महल का पसंदीदा व्यक्ति है और राघव चड्ढा को उनका पूरा परिवार मानता है। इधर भी राघव चड्ढा के लिए कोशिश हो रही है। यही नहीं, मान जो है बराबर केजरीवाल के लिए हर तरह से सहयोग करते हैं। आपको बहुत छोटा सा बता दें, गुजरात के चुनाव पे अप्रैल महीने में 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच में पार्टी अभियान के लिए 45 लाख रुपया का चार्टेड प्लेन इन्होंने किराए पे लिया था। किसके लिए? केजरीवाल जी के लिए 45 लाख रुपए का, सिर्फ किस दिन? 1 से 3 अप्रैल तक। कुल मिलाकर के तिहाड़ में बंद केजरीवाल के आदेश पे, ऑर्डर पर ये सब हरियाणा के चुनाव पे खर्चा किया जा रहा, जैसे दिल्ली में गोवा के लिए किया था। आपने देख रहे होंगे एक जांच चल ही रही। यही नहीं, इसके पहले अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भी पंजाब गवर्नमेंट ने ही सारा पैसा खर्च किया है और जो इनके जहाज सुनीता केजरीवाल गई उस पर भी यही पर्दे के पीछे यही खर्च कर रहे। हरियाणा के चुनाव की पैसा पूरा लगाना वो मान के उस पर, और ये केजरीवाल का पूरा इंस्ट्रक्शन है उन्हीं के उसमें। आप देख रहे हैं दिल्ली की क्या हालत हो गई, यही पंजाब की हो गई। जनता त्राय त्राय कर रही है कि अभी उसके पेट्रोल डीजल के बाद ये बसों का किराया बढ़ा दिया। बसों का किराया ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, 1 किलोमीटर का 46 पैसे से ज़्यादा बढ़ा दिया और कुछ जगह इससे भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 150 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व आएगा। इनके फिजूल खर्चे इस समय हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पंजाब गवर्नमेंट के हैं। 5 सितंबर को इन्होंने डीजल के दाम बढ़ाए और पेट्रोल के बढ़ाए, डीजल का 93 पैसा, पेट्रोल का 61 पैसा। जो जनता को इन्होंने गारंटी सुविधाएँ दी थी वो भी सब वापस ले ली, नहीं दे रहे हैं। यही पोजीशन दिल्ली में है, यही पंजाब में है। कुल मिलाकर के पंजाब आप पार्टी जो है सिर्फ पैसा दोहन पे लगी है और आपको बता रहे पूरी पंजाब की जनता अलर्ट हो गई। यही चर्चा है, जैसे इन्होंने दिल्ली की में किया था कि चुनाव के लिए, गुजरात चुनाव का ही आपको हमने एग्जांपल बताया, गोवा वाली जांच चल रही, हर जगह इन्होंने क्या किया, सरकार का पैसा और जनता का वसूला और पैसा लगा दिया। यहाँ शराब के रिश्वत के बहाने लगाया था, वहाँ दूसरे मामले हैं। और आपको बता रहे हैं हरियाणा प्रचार के लिए कर्ज का बोझ जो है ये पंजाब की जनता को पड़ेगा और फिजूल खर्ची जो हैं ये इतने बढ़ा लिए इन्होंने व्यक्तिगत की, इसके हेड जो हैं वो दूसरे उसमें डाले जा रहे हैं, मतलब ये खर्च हो रहा है इनके उस पर और लगाया जा रहा है अपने व्यक्तिगत उस पर ये खर्च कर रहे हैं और सरकार का पैसा दोहन कर रहे हैं। अभी RTI डाली गई थी तो RTI में फिजूल खर्ची के काफ़ी एग्जाम्पल मिले थे। हर मिलाप सिंह ने, ग्रेवाल ने RTI डाली थी, इधर भी RTI डाली गई, उसके लगातार जवाब नहीं दिया जा रहा है। अब आप यहाँ से अंदाज़ लगा सकते हैं कि
पर किलोमीटर 46 पैसे जहां इन्होंने बढ़ाया वहीं 23 से 46 पैसे तक, एसी में और ज़्यादा 176 पैसे के लगभग, सुपर इंटीग्रल कोच में बहुत ज़्यादा इन्होंने किराया बढ़ा दिया। तो इन सब से जो इस समय की जो स्थितियां हैं वो भी बता दें कि इस समय एक तो पेट्रोल डीजल की इंटरनेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट में बढ़ी नहीं मगर पंजाब गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। दूसरी, इस समय यात्री बहुत ज़्यादा होते हैं और ख़ास तौर से पंजाब में बसें वगैरह शुरू से स्ट्रांग रही हैं, वहाँ पे लोग बसों वगैरह पे ज़्यादा चलते हैं। ये महीना ख़ास तौर से गणेश चतुर्थी का, कई त्योहारों का, भादों का लास्ट होता है, इसमें बसों की सबसे, मगर सिर्फ ये है कि हरियाणा के चुनाव का पैसा निकालना है। लुधियाना डिपो के शमशेर सिंह ने, जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा ये बड़ा गलत कर रहे हैं, इससे बस पे लोगों का आना जाना कम होगा और ये बेवजह बढ़ा रहे हैं। अगर कोई बड़ी वजह होती, कोई दाम बढ़े होते हैं या कोई प्रॉब्लम होती, या मान लीजिए इस समय यात्री कम होते तब बढ़ाते हैं, ऐसे समय बढ़ाने से क्या है, नुकसान ही है, यात्रा लोग कम करेंगे और ये दिन दहाड़े जेब काट रहे हैं, ये शमशेर सिंह ने कहा। अब आप देखिए, पेट्रोल डीजल के बाद पंजाब में बसों के किराए में बड़ा इजाफा, 100 किलोमीटर की यात्रा 46 रुपए तक हुई महंगी। पंजाब सरकार ने बसों का किराया बढ़ा दिया है, परिवहन विभाग की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया, नया आदेश 8 सितंबर से लागू हो जाएगा। ऐसे में यात्रियों को अब पहले के मुकाबले ज़्यादा किराया चुकाना होगा। ये तिहार में बैठे केजरीवाल के आदेश पे और शीश महल में बैठी सुनीता केजरीवाल के आदेश पर कल लागू किया, कल इन्होंने उसको पास कराया और आज से ही लागू कर दिया। सुबह से सारी जनता परेशान है पंजाब की, किराया कैसे बढ़ गया, किराया कैसे बढ़ गया। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप और डीजल के क्या पोजीशन है। इंटरनेशनल मार्केट पूरे देश में पेट्रोल डीजल के काम कम हुए, ये बढ़ा रहे हैं, चूँकि पैसा कहाँ जा रहा, हरियाणा चुनाव पे। मान की भी मजबूरी, मान चूँकि केजरीवाल का सम्मान बहुत करते हैं, चीफ मिनिस्टर बनवाने में भी इनका ही योगदान है, हालांकि मान अपने दम पर आए मगर वो इनका लिहाज करते हैं। इस कारण अपने आपको बताएं, जब दिल्ली बिल का भया, दिल्ली बिल का जिस समय मूवमेंट हुआ था आपकी ओर से, पूरे जहाज सब इनकी ओर से थे, मान की ओर से सब मुख्यमंत्रियों से मिलना, सारा मान खर्चा। इस समय आप पार्टी का कोई चला रहा मान और उसका शोषण कौन कर रहे हैं, या उस उन सब सुविधाओं का जो फ़ायदा ले रही हैं वो सुनीता केजरीवाल और केजरीवाल के ग्रुप। ये देखिए आप किस तरह से भीड़ लगी है, लोग परेशान हैं, बसों की जगह लोग अब गाड़ी से जाने के उस पर हो गए, चूँकि किराया एकदम से बढ़ा दिया गया। अब देखिए जो तस्वीर बन रही वो साफ है, सुनीता केजरीवाल जब मुख्यमंत्री नहीं थे, इनके हस्बैंड क्या इतना हेलीकॉप्टर का यूज़ करती थी, क्या अरविंद केजरीवाल यूज़ करते थे, किसके उससे, पंजाब के उससे, आप देखिए सब सुनीता केजरीवाल, ये देखिए पीछे सुनीता केजरीवाल जी हैं, आप देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर, कहाँ से पेमेंट कौन कर रहा, गुजरात जब ये गए अप्रैल को तो आपने देखा होगा 45 लाख रुपए का आरटीआई से जवाब मिला, पंजाब गवर्नमेंट से मांगा गया, इन सब से कहा गया, बोले नहीं, और पेमेंट किसने किया, पंजाब गवर्नमेंट, और यात्रा कौन कर रहा है, केजरीवाल, इधर मिसेस केजरीवाल, इनके चुनाव पे पर्दे के पीछे कौन वास्तव में तन मन धन से लगा है, मान, ये देखिए दोनों की किस तरह से, आप देखिए मुट्ठी बांधे हुए हैं और ये देखिए थंब दिखला रहे हैं राघव चड्ढा जी। तो आप देख लीजिए, ये सब ये है कि कुल मिला के इस चुनाव के बाद ये मान को ये भी चाह रहे कि मान अब हट जाए और राघव चड्ढा आ जाए। आप देखिए ये जहाज और ये देखिए दोनों लोग, मान और केजरीवाल। इसके पहले जब अन्ना के आंदोलन में थे तो ये हवाई चप्पल पहनते थे, यहाँ तक कि कमीज पहनते थे, बहुत सस्ती 80 रुपए से ज़्यादा एक कमीज खरीदते नहीं थे, अन्ना जी के सामने यही कहते थे, 4 कमरे का मकान चाहिए था। आज ये क्या कर रहे हैं, मार किस पे पड़ रही है, जनता पे। यहाँ शराब की दलाली हुई दिल्ली में, वहाँ पता चला पेट्रोल बढ़ा दिया हर तरह से, और दोहन कौन कर रहा, ये बंद सब लोगों में, मनीष सिसोदिया वगैरह, मैं किंग पेन कौन निकले, ये
मुख्य अभियुक्त कौन? ये हमने कह रहे सीबीआई ईडी कह रही कोर्ट में बाकायदे कहा। अब देखिए आप ये देखिए जहाज के साथ मान और केजरीवाल जी, और ये देखिए कि बाकायदे इन लोगों का हेलीकॉप्टर उड़ा है चुनाव के लिए वहाँ पर प्रचार करने के लिए, जो कि जब जिस समय हेलीकॉप्टर ऊपर उठता तो भीड़ आ जाती गांव से देहात से हैं, फूल वर्षा वगैरह। सिर्फ देखिए प्रोपोगंडा, इतना यूज बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों ने नहीं किया है, बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों ने नहीं किया। दिग्विजय सिंह भी थे, इतना हेलीकॉप्टर यूज नहीं कर पाए जितना कर रहे हैं, जबकि बहुत बड़े प्रांत का था। अब देखिए इस समय क्या पोजीशन है, पूरे इलेक्शन में एक दूसरा बड़ा घोटाला होने जा रहा पंजाब में हो रहा है। अभी तक तो दिल्ली में हुआ था, फिर काफ़ी मुश्किल से पता चल पाया चूँकि लोग इतने होशियार हैं। ये देखिए अरविंद केजरीवाल जी, सुनीता जी, फ़ायदा ये चुनाव का ले रहे हैं। ये हैं राघव चड्ढा जी और ये मान जी। अब जो भी है ये किराया बढ़ाया जाना साफ है हरियाणा के चुनाव पे, चूँकि कांग्रेस की वहाँ पे स्थिति ठीक नहीं, आप पार्टी से समझौता हो नहीं, बहुत स्पष्ट दबाव है। केजरीवाल का जेल से इंस्ट्रक्शन है, सुनीता जी का शीश महल से है कि सभी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, और ये मान की जिम्मेदारी है सारा प्रचार वगैरह पर्दे के पीछे से सपोर्ट करें, जिस तरह से कभी दिल्ली गवर्नमेंट ने पंजाब पे सपोर्ट किया था पैसे का, उस तरह से मान करें ये सारी सीटों पे चुनाव लड़ने के उस पे हैं। जहाज के खर्चे, प्रचार के खर्चे, जनता चाहे बाहर में जाए कुछ भी हो, ये इंस्ट्रक्शन है। और आप पार्टी फिर एक बड़े घोटाले में, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि कुछ लोग बैकफुट में हो गए हैं, खासतौर से आतिशी मार लेना जी, बिरला राखी बिरला जी, तमाम लोग हो गए, और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी खामोश है, चूँकि जानते हैं कि ऊपर से जो आदेश आएगा बंगले से और तिहाड़ से वो मेरे लिए नहीं, वो उसका जो दोहन करेंगी सुनीता केजरीवाल जी करेंगी। और जो ये सब रेट बढ़ाए जा रहे हैं 150 करोड़ रुपए का लॉजस, ये अपने खर्चे नहीं, ये सिर्फ आप पार्टी के खर्चे के लिए। हरियाणा में चूँकि स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई, पहले इनके सांसद जीते थे, इस बार एक सांसद ने जीते, परंतु ये अब भी उम्मीद कर रहे हैं कि सात पैसे के बल पे हम हरियाणा में सरकार बना लें। ऐसा ना ये गुजरात पे कर पाए ना गोवा पे कर पाए। हाँ ये ज़रूर है कि गोवा के चुनाव पे दिल्ली के लोग बेहाल हो गए, 100-150 करोड़ रुपया वहाँ लगा दिया, सीटें कुछ नहीं मिली। यही पोजीशन हरियाणा में है, मगर ये मार जनता पे होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।